तुम्हें शायद मेरे बैकग्राउंड में थोड़े बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ सकती है, जिसे थोड़ा इग्नोर मारना, क्योंकि शाम का समय है और मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बच्चे बैकग्राउंड में इस समय पे चिल्ला इसलिए रहे क्योंकि वो खेल रहे हैं और मैं शाम के टाइम पे बच्चों को डिस्टर्ब भी नहीं करता। मेरी मजबूरी है, मुझे इस समय पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज मैं दोपहर को ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, पर मैंने वहां पर कल वाले एपिसोड का रिव्यू नहीं किया था। प्लस वन पीस वाले सब्सक्राइबर थोड़ा सा वेट कर लो, कल मैं लूफी एंड लोकी के ऊपर बात करूंगा, एक थ्योरी वीडियो लेके आऊंगा जहां पर बहुत सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग कल के ब्लीच वाले एपिसोड के ऊपर बात करेंगे क्योंकि कल ब्लीच के एपिसोड में बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। उकिताके के ऊपर डिस्कस करेंगे, सुनसुई एंड उकिताके का जो फ्रेंडशिप बॉन्ड था उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। मिहागी सामा कौन है उसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा, प्लस ये जो कामिकाके रिचुअल क्या होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। एंड हाँ, इस फ्यूचर को युहबा भी नहीं देख पाया था, प्लस आयजन सामा के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले उकिताके से स्टार्ट करते हैं। देखो, उकिताके उन चुनिंदा कैप्टन में से है जो डबल स्वॉर्ड यूज करता है, जिसके पास दो दो जानपाक्त है। प्लस उकिताके एंड सुनसुई का बॉन्ड जिस तरीके से दिखाया गया, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों ही एक ही एकेडमी में तलवार चलाना सीखे हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। वहीं हमें तीसरा कैरेक्टर पता है जो दो तलवारें चलाता है, वो अपना इचिगो कुरासाकी है। हाँ, यहाँ पे भी इचिगो घुस चुका है, हर एक चीज ये बंदा कर सकता है और हर एक पावर पोजेस करता है। आगे आते हैं, थोड़ा उकिताके के ऊपर बात करते हैं। उसका बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा गजब था, जहाँ पर हमें बताया गया कि वो बचपन से बीमार था, उसके फैमिली वालों ने मिमिहागी को यार हाथ पैर जोड़े, उसकी प्रार्थना की, बहुत ज्यादा उसकी पूजा पाठ की, एंड उसके बाद मिमिहागी के आंखों से आंसू टाइप निकलता है, जिसके बाद वो आंसू को उकिताके पीता है तो उसके बाद वो जाग जाता है। और यहाँ पर हमें मिमिहागी थोड़ा शॉकिंग वाले पावर दिखाता हुआ नजर आता है, बिकॉज इससे पहले जितने भी ब्लीच फैंस हैं, जो लोग ब्लीच के एनिमे को सिर्फ फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में आ रहा था कि यार सोल किंग यहाँ का एक्चुअल गॉड है, सारे सिनेगामी सेक्टर से उसकी पूजा करते हैं, बट उसको क्रिस्टल में कैद कर रखा है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि आखिर क्या चक्कर है, लेकिन वहीं पर तुमको युवावाज का भी क्लियर था बिकॉज वो क्विंसिस का गॉड था। पर अब ये मिमिहागी कौन है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सिंपल तरीके से कहूं तो मिमिहागी कोई और नहीं, सोल किंग का राइट हैंड है। ऐसा बोलने वाला राइट हैंड नहीं, जो सबसे करीबी इंसान को बोल देते हैं ना, वो मेरा राइट हैंड है, या फिर लोग भी बोलने लग जाते हैं कि ये उसका राइट हैंड है, बट ऐसा नहीं। मिमिहागी एक्चुअली में सोल किंग का राइट हैंड है, जैसे ये मेरा राइट हैंड है, एकदम वैसे ही राइट हैंड है। और सोल किंग एक सुप्रीम एंटिटी थे, जो यहाँ के गॉड थे, वो सब कुछ कर सकते थे, तो ऑब्वियसली गॉड का हाथ है तो वो खुद एक गॉड लिविंग होगा। जब पांच रॉयल फैमिलीज ने सोल किंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, काट के उसके शरीर के जितने भी अंग काटे थे ना, वो सब अपने आप में ही अलग अलग सुप्रीम बींग बन गए थे, उनके पास अलग अलग तरीके के खास पावर थे। और तुम इसी से अंदाजा लगा लो, जब उसका राइट हैंड इतना ज्यादा पावर पोजेस करता है तो फिर उसके बाकी के अंग कितने ज्यादा पावर पोजेस करते होंगे। वैसे चिंता मत करो, आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें सोल किंग के बाकी के बॉडी पार्ट्स के बारे में भी दिखाया जाएगा, एंड वो कौन कौन से बींग बने उसके बारे में भी हमें डिटेल में पता चलेगा और उनके पावर्स के बारे में भी पता चलेगा। फिलहाल हम मिमिहागी के बारे में बात करते हैं, इसकी पावर्स क्या है एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। मिमिहागी जो है वो सोल किंग का राइट हैंड है, एंड इसके हाथ में एक आंख भी तुम देख सकते हो। इस आंख के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले इसकी पावर के बारे में बात करते हैं। सोल किंग का राइट हैंड होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर मैं स्पिरिचुअल पावर की बात करने जाऊं तो ये कैरेक्टर, जहां तक मैंने रिसर्च वगैरह करके निकाला, सोल किंग का सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर है, सेकंड में आयजन आता है, थर्ड में इचिगो आता है, उसके बाद मिमिहागी सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर होल्ड करता है। हालांकि ये हमें एक्शन में कभी नहीं दिखाया गया, बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज सोल किंग का राइट हैंड है और ये हाथ की तरह ही रहता है। दूसरी चीज, इसके पास पावर है किसी भी प्रोग्रेशन को रोकने की। अगर तुम एपिसोड भी देखे हो ना, बचपन से उकिताके बहुत ज्यादा बीमार था, लेकिन जब वो मिमिहागी के आंख से निकले हुए आंसू को पी जाता है, उसके बाद उसका जो बीमारी का जो प्रोग्रेशन था ना, वो वहीं पे रुक गया। वो बीमार रहता था, अब भी बीमार है, और जब जब वो दिखा है ना, वो बीमारी के हालत में ही दिखा, लेकिन उसका जो बीमारी था ना, वो आगे बढ़ा नहीं, वो रुका ही रह गया। ऐसा समझो किसी को स्टेज 2 का कैंसर है और मिमिहागी उसको पोजेस कर लेता है। एक तरह से मिमिहागी को तुम वो बॉडी पार्ट दे देते हो, वो जब पोजेस कर लेता है ना, तो वो जो स्टेज 2 में कैंसर है ना, वो स्टेज 2 में ही रहेगा, वो स्टेज 3 कभी नहीं जाएगा, उसका प्रोग्रेशन वहीं पे रोक दिया। ये है मिमिहागी का सबसे मेन पावर। एंड एपिसोड अगर तुमने ध्यान से देखा तो एक चीज गौर करना, मिमिहागी जब उकिताके के अंदर से निकलता है और वो रॉयल पैलेस पे जाता है, वहां पे जाके वो सोल किंग को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे चक्कर क्या हुआ, सोल किंग की तो डेथ हो गई, जिसके वजह से सारे वर्ल्ड पे अनबैलेंस आ गया था, जितने भी अलग अलग डायमेंशन में जो अलग अलग वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो हिकोमुंडो हो, सोल सोसाइटी हो, काराकुरा टाउन हो,
जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब में अनबैलेंस आ गया था, वो सब डिस्ट्रॉय होने वाले थे। बट मिमिहागी ने क्या किया, जाके पकड़ लिया, जिस वजह से वो प्रोग्रेशन ही रुक गया। आगे आते हैं और बात करते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो शायद बहुत कम लोग सोचे होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आखिर इस चीज को युहाबा नोटिस क्यों नहीं कर पाया। बिकॉज वो तो यार फ्यूचर देख सकता है ना, तो उसको तो इसके बारे में पता होना चाहिए था। हाँ उसको पता होना चाहिए था, बट यार मिमिहागी कौन है पता है ना, वो सोल किंग का राइट हैंड मैन है, वो उसके बाप का हाथ है, और उसके बाप का वो फ्यूचर जब नहीं देख सकता तो तुम समझ जाओ मिमिहागी कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर थोड़ी है जो उसका बेटा देख लेगा। प्लस मिमिहागी के पास जो आंख है वो भी ऑल माइटी वाली पावर रखता है, बट हाँ युहाबा जितने लेवल की ऑल माइटी वाली पावर नहीं रखता है। अब तक जितने भी हमें ऑल माइटी पावर दिखाया गया उसमें युहाबा का आंख सेकंड नंबर पे आता है, सबसे पावरफुल सोल किंग का है, उसके बाद युहाबा का है, एंड थर्ड नंबर पे मिमिहागी का है। और मिमिहागी को भी बहुत सारी चीजें पता है लेकिन ये कभी बात नहीं करता। खैर फाइनल चीज पे बात करते हैं जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मैं पिछले हफ्ते से वेट कर रहा था कि कब वो सीन एनिमेट होगा। यस रिटर्न ऑफ गॉड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर हमें फाइनली आइजन दिखता है। और जब तुम गौर से देखो जिस तरीके से यहाँ पे वार्तालाप चल रहा था कैप्टन कमांडर क्योराकु सुनसुई एंड आइजन सोस्के की, एक चाबी खोलता है और वो एक चाबी खोलते ही बंदा उसके सामने आके खड़ा हो जाता। अंदर से खुद सुनसुई की फटी पड़ी थी, और ये कौन चूतिया था जो भाई आइजन को पकड़ने गया था। हालांकि आइजन रेडी हो जाएगा उसके साथ चेयर में बैठ के जाने के लिए, और इनका जो डिस्कशन था बहुत जबरदस्त था। एंड हाँ क्योराकु सुनसुई सारी चाबियां नहीं खोलेगा रख के भी, क्योंकि वो जानता है अगर आजाद कर दिया फिर युहाबा से बड़ा खतरा तो ये बंदा बन जाएगा। खैर तुम्हारा क्या मानना है इस एपिसोड को लेके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुम उस वीडियो को बहुत जल्द देख पाओ।